एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है। स्टार्ट करें। ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? ये हवा में है, पानी में नहीं है, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक। पॉइंट नंबर वन के मतलब आप ये ना कहें कि प्रेशर जीरो है, आप पानी के अंदर नहीं भी गए तो भी एटमोस्फेयर तो आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो स्टेप क्लियर है पी एटमोस्फेरिक। अच्छा, मैंने अगर पूछा बी पॉइंट का प्रेशर कितना है, बी पॉइंट भी पानी के नीचे नहीं गया, अभी सरफेस पे है, तो यहां पर भी कौन प्रेशर लगाएगा? पी एटमोस्फेरिक। तो अगर कोई पॉइंट पानी की सरफेस के ऊपर है तो पी एटमोस्फेरिक। क्लियर दो? क्लियर। तीसरा, अगर कोई पॉइंट सी पे है और सी की हाइट बी से एच वन है, अभी ध्यान से देखना, आज रिजल्ट किया, अगर पानी के अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक सी और एक बी, तो पी सी माइनस पी बी क्या बनेगा? एच वन रोजी। पी सी माइनस पी बी इज एच वन रोजी, राइट? तो पी बी का मतलब क्या है? पी एटमोस्फेयर। पी बी की जगह पुट कर देते हैं पी एटमोस्फेयर। पी एटमोस्फेयर राइट पे गया तो सी पॉइंट का प्रेशर क्या आया? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रोजी। आज के बाद अगर मैं सीधा शॉर्टकट सुनो, ये करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद अगर मैं ये पूछूं कि ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, बोल देना पी एटमोस्फेरिक। बी पॉइंट का प्रेशर, सीधा पी एटमोस्फेरिक। अगर मैं पूछूं सी पॉइंट का प्रेशर कितना है, तो आप सीधा बोलना मुझे सी पॉइंट के प्रेशर में एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा और एच वन रोजी वाटर का प्रेशर भी लगेगा। ये पानी का प्रेशर है और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है। एटमोस्फेयर पानी को दबा रहा है और इस पॉइंट को पानी भी दबा रहा है और एटमोस्फेयर भी दबा रहा है, तो सी पॉइंट पर दो दो प्रेशर लगेंगे। एटमोस्फेयर का भी इसमें कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा और लिक्विड का भी। अब मान लो, शॉर्टकट बोलो, डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? डी पॉइंट का शॉर्टकट बोलो सीधा। डी पॉइंट के प्रेशर में सीधा शॉर्टकट क्या है? पी एटमोस्फेरिक तो होगा ही होगा प्लस एच टू रोजी। तो सीधा शॉर्टकट मारेंगे, बात ही खत्म है, कुछ करना ही नहीं है। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि हर पॉइंट के प्रेशर को कैसे निकालेंगे इसमें? तो जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन दूं कि पी बी माइनस पी ए निकालो, मैंने बोला पी बी माइनस पी ए निकालो, आप सिंपल क्या बोलोगे? एच रो जी, क्यों पी एटमोस्फेयर नहीं बोलोगे? वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर भी एटमोस्फेयर आ रहा है, ए के अंदर भी पी एटमोस्फेयर आएगा, माइनस करने पर वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एच रो जी आएगा। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है उसमें एटमोस्फेरिक अपने आप कैंसिल हो जाता है, सिर्फ पानी का प्रेशर आएगा, ठीक? तो जैसे अगर मैं सीधा बोलूं, बोलो सी का प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेरिक। बोलो ए का प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रोजी। कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बी का प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू रोजी। और अगर मैं बोलूं पी बी माइनस पी ए कितना है, अब पी बी माइनस पी ए शॉर्टकट बोलो एच रोजी, नहीं तो इसमें से इसे माइनस कर लो, पी एटमोस्फेरिक आपस में कैंसिल हो जाए। ये करके दिखाया है कि क्यों कैंसिल हो जाता है। तो ये शॉर्टकट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, मतलब एक ही बारी में देखते ही आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने बता दिया बी और ए के बीच में एच रोजी, ये सब हो गया। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेढ़ी मेढ़ी पाइपें दे दी और कह दिया कि बताओ ए बी सी डी चार पॉइंट्स हैं और सबकी वर्टिकल हाइट लिक्विड की एच है, तो ए बी सी डी में प्रेशर क्या रहेगा? सेम। आपकी शेप और एरिया मैटर नहीं करता, बोल देना सेम है, हाइट मैटर करती है। फिर वैल्यू पूछ लेगा, बोलो ए पे प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। बी और सी और डी पे भी सेम रहेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अगर वो ये दे दे एक्स पॉइंट है, इसे प्रेशर क्या होगा? तुमने देखना ही नहीं है पाइप मुड़ मुड़ के आ रही है, तुमने सिर्फ ये देखना है पानी के लेवल और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच। तो सीधा बोल देना है एच रोजी, मतलब पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी। पाइप घूम के आए, टेढ़ी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तुम्हें यह गिवन होगा, वो कहेगा कि एक्स वाई जेड एक ही लाइन में है, तो प्रेशर की वैल्यू भी तीनों पर क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम, क्योंकि पानी की साथ लेवल तीनों में सेम है। तुम्हें ये कहेगा कि ये ऐसी फिगर है, ए बी सी के प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? तुम बोल देना कि सेम है, क्योंकि यहां से हाइट तीनों में सेम है, ए बी सी की वर्टिकल हाइट इस लेवल से सेम ही आने वाली है, तो आंसर सेम ही मार्क करना है। और तुम्हें ये नहीं करना
इसके अंदर एक्सेलरेटेड फ्रेम लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे।